नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स ब्रांड एम्बेसडर, राइट, जो सितंबर और अक्टूबर मंथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन से बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सितंबर और अक्टूबर मंथ के, यानी कि जो लास्ट 2 मंथ है, उन मंथ में, राइट, उन महीनों में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त किए गए थे, राइट, किन किन ब्रांड के एम्बेसडर्स बनाए गए थे, यह अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बैंकिंग लेवल का एग्जाम्स होना मेन्स में, उसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके, एंड कोई अदर स्टेट लेवल का हो, एसएससी का एग्जाम्स हो या रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स हो, वहाँ पे भी इससे बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, किसी भी तरह का कोई सजेशंस हो तो जरूर टाइप कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें रेगुलर बेसिस पे। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट मंथ के जीके प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ हेल्पफुल वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं, तो देखिएगा। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के अक्टूबर मंथ के वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ संपूर्ण, एक तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट कंप्लीट अक्टूबर मंथ है। उनमें जो जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिन जिन व्यक्तियों का रेजिग्नेशंस हुआ है, वह मैंने डिस्कस किया था कल ही। तो राइट, सेम थंबनेल है, जाके देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट व्यूकर वीडियो चाहिए अगर आपको सितंबर पढ़ना पढ़ना हो, राइट, सितंबर पढ़ना हो एंड जुलाई अगस्त पढ़ना हो, वह भी वीडियोज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। ओके, बुक्स भी मैंने बता दी है, राइट, बुक्स अक्टूबर मंथ की सभी बुक, पर्टिकुलर मंथली बेसिस पे लेके चलता हूँ, सितंबर अक्टूबर इस टाइप की, अगस्त की, राइट, तो अक्टूबर मंथ की जो लास्ट मंथ है उसकी बुक्स भी मैंने बता दी है। आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा, राइट, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, किसी भी पर्टिकुलर वीडियोज के जो क्वेश्चन हैं उनके कोई चार्जेबल्स नहीं है, राइट, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए। इंपॉर्टेंट ऑब्चुरीज, राइट, जो चर्चित तो व्यक्तियों का निधन हुआ है अक्टूबर मंथ में, राइट, उनका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, देखिएगा, यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। और इम्पोर्टेंट डेज, राइट, अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज प्लस उस डेज की पर्टिकुलर थीम क्या है, यह भी मैंने डिस्कस किया है, तो देखिएगा, यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर, तो ये तो थी आपकी सारी की सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स। नाउ लेट्स कम टू द सेशंस। ओके, अब चलते हैं। पहले देखिएगा डेमो क्वेश्चंस, एग्जाम्स में किस बेसिस पे क्वेश्चंस बनाता है, ये आपका डेमो क्वेश्चंस है। ओके, एग्जाम्स में आपको इसी टाइप से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, राइट, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके मैंने प्रिपेयर किया है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और 100% आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ JSW सीमेंट। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, राइट, तो वह नियुक्त हुआ है माडी रेस्टोरेंट सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है इंडियन टीम के। सौरभ गांगुली आप सभी को मालूम है, बीसीसीआई, राइट, बीसीसीआई के चेयरपर्सन के रूप में अभी कार्यभार देख रहे हैं सौरभ गांगुली, तो इसका आंसर बी एंड सी होगा, याद रखिएगा। ओके, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री हैं जो कि आपके JSW सीमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं, राइट, इसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेगा। सेकंड क्वेश्चंस भी देख लीजिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ सैलो ग्रुप। सैलो ग्रुप आप सब परिचित हैं सैलो ग्रुप से, राइट, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन बने हैं, तो वह बने हैं अमिताभ बच्चन, राइट,
अमिताभ बच्चन और जयप्रकाश नमस्कार ऑफ सेलो ग्रुप। क्लियर, याद रखिएगा अमिताभ बच्चन आपकी सेलो ग्रुप के भी प्राइम मिनिस्टर से, आरबी की जो गाइडलाइंस होती हैं अवेयरनेस जागृत करने के लिए उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी प्राइम मिनिस्टर आपके अमिताभ बच्चन हैं, याद रखिएगा। क्लियर, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। कटिंग्स भी देख लीजिए, मैंने कटिंग्स भी न्यूज़पेपर्स की यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रॉप्ड इन प्रियंका चोपड़ा जोनस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर्स। प्रियंका चोपड़ा जोनस हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुई हैं, किस इकाई की ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। प्रियंका चोपड़ा जोनस जो कि आपकी पार्ले एग्रो, राइट, पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुई है प्रियंका चोपड़ा जोनस, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस बार के एग्जाम्स जो भी हो उसमें यह क्वेश्चन डाल सकता है अगर ब्रांड एम्बेसडर्स का क्वेश्चन बनाए तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन बनाए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट? ये आपके बने हैं रोहित शर्मा, राइट, रोहित शर्मा एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट, राइट। देखिए, जो स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं करंट अफेयर, राइट, एवरी डे मैं मॉर्निंग में सेशंस लेता हूँ बहुत अच्छी न्यूज के साथ लेता हूँ, तो प्लीज एवरी डे वीडियोज को जरूर देखें, तभी आपके जीके के क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ ओकले, राइट, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किसको नियुक्त किया है जो कि एक क्रिकेटर हैं? तो वह है ननदंस आपके रोहित शर्मा, अगेंस्ट रोहित शर्मा, वीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर्स रोहित शर्मा है जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, ओकले की भी ब्रांड एम्बेसडर्स डॉक्टर ओकले की भी ब्रांड एम्बेसडर्स रोहित शर्मा है, एंड डॉक्टर ट्रस्ट है जिसके भी ब्रांड एम्बेसडर्स रोहित शर्मा है। तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एक साथ मर्ज कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कि नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ प्ले एंड एकॉस्टिक्स एसेसरीज ब्रांड, राइट, ध्वनिक सामान ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किसको चुना गया है, कौन नियुक्त किए गए हैं? एक सेकेंड हमारे रेस्पॉन्स, राइट, प्ले नाम की एक म्यूजिक बैंड है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स किसको नियुक्त किया है, राइट, यह आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, राइट। प्ले एक ध्वनिक सामान है, प्ले म्यूजिक बैंड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किस पर्टिकुलर व्यक्ति को नियुक्त किया है? ओके, ये आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। नाउ लेट्स कम टू द, अब अपन वन लाइनर में सारे डिस्कशंस कर लेते हैं, ये तो एक एमसीक्यूज फॉरवर्ड में मैंने क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं इस बेसिस पे। क्लियर, अब चलते हैं वन लाइनर में ताकि सभी कुछ आपके ब्रांड एम्बेसडर से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अमिताभ बच्चन जो कि आपके ब्रांड एम्बेसडर से आरबीआई कस्टमर्स अवेयरनेस कंपेनिंग्स और अमेजन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के, राइट, मैंने बताया था आपको जो डॉक्टर अमिताभ बच्चन हैं वो आपके ब्रांड एम्बेसडर से आरबीआई की जो आपकी गाइडलाइंस हैं उनको अवेयरनेस करने के लिए जागृत करने के लिए जो गाइडलाइंस के माध्यम से, राइट, कस्टमर्स को, ओके, अमेजन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर्स आपके अमिताभ बच्चन हैं, याद रखिएगा। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर्स अमिताभ बच्चन हैं। ओके,
नेक्स्ट आपका आमिर खान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमिर खान इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेदांतु एप्लीकेशन, जो कि एक लर्निंग एप्लीकेशन है, एजुकेशन राइट एप्लीकेशन है राइट। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। एंड सी एट टायर, जो कि सितंबर मंथ में सी एट टायर के ब्रांड एम्बेसडर भी आपकी आमिर खान बने थे, याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सोनू सूद राइट। सोनू सूद आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, दैट इज द एसर इंडिया राइट। एसर इंडिया आप सबने सुना होगा, एक ताइवान की कंपनी है एसर इंडिया, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर, जो कि आपके पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हैं, सचिन तेंदुलकर याद रखिएगा। सुरेश रैना, सुरेश रैना नाइन स्टैक्स ब्रांड एम्बेसडर राइट, नाइन स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हैं सुरेश रैना। नेक्स्ट आपका आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोयोटो अर्बन क्रूजर्स ब्रांड एम्बेसडर राइट। टोयोटो अर्बन क्रूजर ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपकी आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को ही रिसेंट में यूनिसेफ राइट, यूनिसेफ के माध्यम से जो बाल शोषण होता है राइट, कम उम्र के बच्चों को काम करवाया जाता है, उनके प्रति जागृत करना, उनको अवेयरनेस कर अवेयरनेस यानी कि जागृत करना उनके प्रति राइट, जागरूकता फैलाना का काम भी आपकी आयुष्मान खुराना जी का ही है राइट। यूनिसेफ के माध्यम से ये इंडिया में एम्बेसडर्स हैं ओके। और बजाज एलायंस के भी ब्रांड एम्बेसडर्स आयुष्मान खुराना ही हैं, याद रखिएगा। यह भी जो एडिशनल चीज़ें हैं ना, वह आपको वीडियो के माध्यम से ही मिल सकेगी, अदरवाइज आप पीडीएफ चाहोगे कि सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ में एडिशनल चीज़ें नहीं मिलेगी, जो चीज़ वहाँ पर नोट की गई है वही चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा राइट। तो इसीलिए कहता हूँ वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो ही बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट आपका भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है राइट। भुवनेश्वर कुमार भी एक इंडियन क्रिकेटर है, उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, दैट इज द प्लेयर बोर्ड राइट, प्लेयर्स बोर्ड, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगेंस्ट आयुष्मान खुराना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बजाज एयरलाइंस लाइफ इंश्योरेंस के आपकी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। ड्वेन ब्रावो, दैट इज द वेस्ट इंडीज प्लेयर है, अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ और SPOTOP राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्यारा आडवाणी राइट, क्यारा आडवाणी एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मंत्रा, मंत्रा आप सभी को मालूम है राइट, मंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है क्यारा आडवाणी राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका रोबिन उथप्पा, रोबिन उथप्पा ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला बेस्ट स्टार्टअप नेम्ड एंट्री राइट, जो केरला की एक स्टार्टअप नेम्ड है एंट्री, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोबिन उथप्पा। नेक्स्ट आपका युवराज सिंह राइट, युवराज सिंह अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड राइट। आकाश का जो एजुकेशनल सर्विस है राइट, आप सभी को मालूम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह, क्लियर, याद रखिएगा। युवराज सिंह किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वह आपकी आकाश जो एजुकेशनल सर्विस पर लिमिटेड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है ओके। तो ये तो थी आपके सितंबर मंथ की सारी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत लगती है, आप खुद जानते हैं किस टाइप का कंटेंट है, आप खुद ने देखा है। तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा मेरे मोटिवेशंस के लिए, नेक्स्ट कोई भी वीडियो हो अच्छे लेवल पे और आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाऊं राइट। एक बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, एग्जाम्स में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा राइट। और भी अगर कोई आपका टॉपिक हो, देखिए मैंने ओबिचुरीज आपको अक्टूबर मंथ की करवा दी है राइट, आपकी बुक्स मैंने अक्टूबर मंथ की करवा दी है राइट, एंड देन डेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वह मैं करवा चुका हूँ, एंड देन आपकी
अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन जो बैंक के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वह मैं करवा चुका हूँ। देन नाउ अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ब्रांड एम्बेसडर्स। इसके अलावा आपके पास कोई टॉपिक हो सर इस बेसिस पे करवा दीजिए आप भी, तो मैं 100% कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं कर जरूर करवा दूंगा अच्छे से। ओके नेक्स्ट अब चलते हैं अक्टूबर मंथ में, क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर में है सौरभ गांगुली जो कि ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं आपकी JSW सीमेंट की, राइट, एक ब्रांड एम्बेसडर और एक आपकी बंगाल पीरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी, राइट, पीरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं सौरभ गांगुली। आप सभी को मालूम है BCCI के प्रेसिडेंट है आपकी सौरभ गांगुली। इनके साथ साथ सुनील छेत्री भी हैं जो कि आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं JSW सीमेंट के भी, राइट, सुनील छेत्री। अजिंक्य रहाणे अज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ हड, राइट, याद रखिएगा अजिंक्य रहाणे एक स्पोर्ट्स है, राइट, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं अजिंक्य रहाणे। आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर, राइट, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं लेज। आप सभी को मालूम है बहुत फेमस प्रचलित ब्रांड है लेज, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनी है आलिया भट्ट और रणवीर कपूर। क्लियर। अगेन आपका रोहित शर्मा दैट इज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ वीगा डॉक्टर ट्रस्ट एंड, राइट, डॉक्टर ट्रस्ट वीगा हो गया, इसके ब्रांड एम्बेसडर्स आपके रोहित शर्मा, आपने क्वेश्चंस भी देखा होगा। नेक्स्ट अमिताभ बच्चन अगेन ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं सेलो ग्रुप के, राइट, सेलो ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर्स अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट आपका प्रियंका जोनस, राइट, प्रियंका चोपड़ा जोनस जो कि ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त हुई है पार्ले एग्रो की। क्लियर। इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता, राइट, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट आपका सोनू सूद, राइट, सोनू सूद आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं प्ली म्यूजिक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं सोनू सूद, याद रखिएगा। ओके टोटल्स आपके 12 वह हो गए एंड 8th आपके अक्टूबर मंथ के हो गए, टोटल 20 क्वेश्चंस और सितंबर और अक्टूबर मंथ में कवर हो रहे हैं। क्लियर, समझ में आया आपको, आई होप अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे प्रेस करके जरूर जाइएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। किसी भी तरह का मैंने वीडियो की स्टार्टिंग्स में आपको बताया था किस टाइप की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपका कोई वीडियो छू आपका कोई अगर हो कि सर इस टॉपिक पे बनाइए वह भी टाइप कीजिएगा। ओके तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड आस पड़ोस में भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।